वेलकम टू हान इन्फो चैनल। वीडियो देखने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ ही घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शुक्रिया। गज़ल खाने के लिए बर्खास्त करूँगा जनाब मुश्ताक खलील साहब से। जनाब मुश्ताक खलील साहब, आपका तलब खारिया से है कि वह तशरीफ लाएं, और गजल खान हूं। गजल से पहले एक कथा। लहू शामिल है जिनमें अपने दिल का, लहू शामिल है जिनमें अपने दिल का, वो आंसू मुस्कुरा कर पी रहा हूं। लहू शामिल है जिनमें अपने दिल का, वो आंसू मुस्कुरा कर पी रहा हूँ। सरापा एक तने बेरूह होकर, ताज्जुब है मैं कैसे जी रहा हूँ। लहू शामिल है जिनमें अपने दिल का, वो आंसू मुस्कुरा कर पी रहा हूँ। सरापा एक तने बेरूह होकर, ताज्जुब है मैं कैसे जी रहा हूँ। गजल के चाहना चाहे मतलब कहके, जो अजल से लिखा हो, जो अजल से लिखा हो वो कहाँ बदलता है, जो अजल से लिखा हो वो कहाँ बदलता है, तू बदलने जितनी भी दास्तां बदलता है। जो अजल से लिखा हो वो कहाँ बदलता है, तू बदलने जितनी भी दास्तां बदलता है। बारिशें तो बरसेंगी, धूप तो जलाएगी। बारिशें तो बरसेंगी, धूप तो जलाएगी, बार बार क्यों अपना साहिबा बदलता है। बारिशें तो बरसेंगी, धूप तो जलाएगी, बार बार क्यों अपना साहिबा बदलता है। और रोकता है क्यों इसको मेरा नाम लेने से, रोकता है क्यों इसको मेरा नाम लेने से, एक लफ्ज की खातिर क्यों जुबान बदलता है। रोकता है क्यों इसको मेरा नाम लेने से, एक लफ्ज की खातिर क्यों जुबान बदलता है। एक लफ्ज की खातिर क्यों जुबान बदलता है, और खटका उसको लगता है जब अदम तहफ्फुज का। खटका उसको लगता है जब अदम तहफ्फुज का, तब परिंदा घबरा कर आशियां बदलता है। खटका उसको लगता है जब अदम तहफ्फुज का, तब परिंदा घबरा कर आशियां बदलता है। और शोर शोर है अबस उसका मेरे कद्दोकामत पर, शोर है अबस उसका मेरे कद्दोकामत पर, क्या किसी के रोने से आसमां बदलता है। अभी मुश्ताक खलील साहब अपनी जानदार शायरी से महफिल के सुकूत को तोड़ रहे थे।